बात उन दिनों की है जब दुनिया विश्व युद्ध से जूझ रही थी और इसकी आंच भारत के सुदूर दक्षिण रामेश्वरम तक पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रोकना बंद करवा दिया था, जिससे वहां के लोग बाकी दुनिया से कट गए थे। इससे उनका दुनिया से जुड़े रहने का एकमात्र माध्यम यानी अखबार भी बंद हो गया था। तब किसी ने सलाह दी कि अखबारों के बंडल तैयार रखे जाएं और उन्हें चलते ट्रेन से स्टेशन पर फेंक दिया जाए। स्टेशन पर उन अखबारों के बंडल को एक बच्चा उठाता था और उसे शहर के लोगों में बांटता था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। नमस्कार, मैं रुचि पांडे एक कहानी किताब से के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप उनके संघर्षों के किस्सों से रूबरू होना चाहते हैं तो उनकी ये किताब पढ़िए, जिसका शीर्षक है मेरी जीवनी यानी माय जर्नी। आपको बता दें कि मेरी जीवनी माय जर्नी का ही हिंदी अनुवाद है। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को बताया गया है, जिसे पढ़ने के बाद कोई भी निराश व्यक्ति जीवन से प्यार करने लगेगा। इस किताब को कलाम ने छोटे छोटे खंडों में बांटा है, जिसमें जिंदगी के हर दौर को बयां किया गया है। माय जर्नी के लेखक भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही हैं। किताब में कलाम ने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहज भाषा में बखूबी लिखा है। कलाम की सफलता का हर कोई कायल है, हर कोई जीवन में उन्हीं की तरह सफल होना चाहता है, मगर कलाम की इस किताब को पढ़कर लगता है कि क्या उस सफलता को पाने के लिए हर कोई उनके जैसा धैर्यवान हो सकता है। इस किताब में कलाम ने रामेश्वरम से लेकर अपने दिल्ली तक की यात्रा को बखूबी लिखा है। इस यात्रा के दौरान उनकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जब उन्हें लगा कि अब ये यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी, मगर कलाम एक ऐसे नाविक थे जिसमें पानी की गहराई और हवा का रुख भांपने की जबरदस्त क्षमता थी। कलाम की सफलता के पीछे का सच उन युवाओं को जरूर जानना चाहिए जो अपनी असफलता का जिक्र करते हुए अपनी गरीबी और अपने हालात को ही नियति मान बैठते हैं। कलाम किताब के एक हिस्से में जब मैं फेल हुआ था, मैं MIT मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान की एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनके रात दिन की मेहनत के बाद बनाए गए एक लड़ाकू विमान का डिजाइन प्रोफेसर को पसंद नहीं आया था। उसके बाद उस प्रोफेसर ने कहा था कि आज शुक्रवार की दोपहर है और मैं सोमवार की शाम तक पूरे विन्यास का आरेख देखना चाहता हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। जिसके बाद कलाम ने दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट को तय समय सीमा से पूरा कर दिखाया था। कलाम का रिश्ता जितना विज्ञान के साथ मजबूत था, उतना ही साहित्य और समाज के साथ भी। इसी वजह से कलाम केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि उनके पास आधुनिक भारत को लेकर एक विजन भी था जो उन्हें अन्य भारतीय वैज्ञानिकों से अलग करता है। इस किताब में वे अपनी सफलता और असफलता का जिक्र अपने निजी जीवन के प्रसंगों से ज्यादा करते हैं। कलाम प्रेरित करते हैं तो जरूर पढ़िए। उन छात्रों को भी ये किताब पसंद आएगी जो करियर के क्षेत्र में एक सकारात्मक पुश की तलाश कर रहे हैं। आपको हमारी ये पुस्तक समीक्षा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी अन्य पुस्तक समीक्षा के साथ। धन्यवाद।